अभी हम अम्ब्रेला फ्रॉक बनाएंगे। फैब्रिक लिए 2 मीटर, जॉर्जेट फैब्रिक है हमारा ये। 2 मीटर अस्तर ले लिए कॉटन पे, 8 साल की बच्ची के लिए बनाएंगे। सबसे पहला कपड़ा डबल कर लेंगे हम, अभी चौबल कर लेंगे इसको। इस तरह रख लेंगे, यहाँ से कपड़ा सीधा कर देंगे हम। अम्ब्रेला हम क्रॉस में काटेंगे, हमारी कमर है 24 इंच, 2 इंच लूजिंग देंगे, हुआ 26 इंच, और 4 में डिवाइड करेंगे यानी कि 6.5 इंच। यहाँ से हम 6.5 इंच टेम्पररी रख देंगे इस तरह, ये हुआ हमारा, इस तरह मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से चेक कर लेंगे 8.5 इंच, इस तरह 8.5 पे मार्किंग करेंगे हम। साढ़े छः, ये हमारा 6.5। लेंथ है हमारा 29, 29 में 11 इंच माइनस करेंगे हम बॉडी के लिए। 11 इंच यहाँ से लेंगे हम, 30 पे मार्किंग कर लेंगे 1 इंच की फोल्डिंग के साथ में। अब यहाँ से ले लेंगे हम, ये वो हमारा 28 इंच, पूरी तरह 28 पे मार्किंग कर लेंगे हम। इस पे मार्किंग करेंगे अभी। अभी कटिंग कर लेंगे इसको, सेंटर पे चटका लगा देंगे और नीचे की तरफ कटिंग कर देंगे। अभी घेरा हो गया हमारा, बॉडी कटिंग करेंगे हम। अभी बॉडी के लिए डबल कपड़ा ले लिया हम, बैक के लिए 1.5 इंच हम चैन के लिए ले लेंगे, बैक की तरफ 1.5 इंच का मार्किंग कर देंगे हम। अब फ्रंट का पार्ट भी इसी के ऊपर रख देंगे हम। इसको ऊपर की तरफ रख देंगे इस तरह 1.5 इंच छोड़ के। नीचे से कपड़ा सीधा कर लेंगे हम मार्किंग लगा के। बॉडी की लंबाई हमारी 11 इंच है, 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे यानी कि 12 इंच पे। यहाँ से भी सीधा मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर है हमारा 11.5, 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे यानी कि 12.5, और 2 में डिवाइड करेंगे यानी कि 6.25 इंच। 6.25 पे मार्किंग करेंगे, आधा इंच डीप के लिए ले लेंगे शोल्डर के लिए, 5 इंच पे अर्मोल का मार्किंग करेंगे। यहाँ रखें 6.25 इंच, यहाँ पर भी 6.25 इंच रखेंगे। सीधा मार्किंग कर लेंगे हम। गले की चौड़ाई 5 इंच पे लेंगे, 5 इंच का 2 में डिवाइड करेंगे यानी कि 2.5 इंच।
ढाई इंच पे मार्किंग करेंगे हम, और आधा इंच सिलाई के लिए अंदर की तरफ लेंगे। यहाँ से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे हम। चेस्ट है हमारा 25 इंच, 5 इंच लूजिंग देंगे हम, हुआ 30 इंच, चार में डिवाइड करेंगे यानी कि 7.5 इंच, 7.5 पे मार्किंग करेंगे। कमर है हमारा 24 इंच, 2 इंच लूजिंग देंगे, हुआ 26 इंच, चार में डिवाइड करेंगे यानी कि 6.5 इंच, 6.5 की जगह में 7.5 इंच, 7.5 पे लेंगे। 1 इंच हम टक्स का मार्किंग करेंगे, यहाँ से सीधा मार्किंग कर लेंगे। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए जाएगा, 7.5 पे मार्किंग करेंगे टक्स का, यहाँ से 2.5 इंच पे ले लेंगे। बच्चे लोग का टक्स सिर्फ शो के लिए दिया जाता है। यहाँ से आधा इंच डीप ऊपर की तरफ लेंगे, 1.5 इंच अलग से एक्स्ट्रा ले लेंगे कटिंग के लिए। यहाँ से अरमल का मार्किंग करेंगे, यहाँ तक लेके आके और यहाँ से नीचे ले लेंगे हल्का सा आधा इंच। अभी कटिंग करेंगे, अरमोल का मेजरमेंट चेस्ट के हिसाब से लेंगे। चेस्ट हमने रखे 7.5, उसमें से 2 इंच कम करेंगे यानी कि 5.5 इंच, आधा इंच सिलाई के लिए ऊपर जाएगा, इस तरह चेक कर लेंगे। पाँच इंच कम है, 5 इंच डीप कर लेंगे हम इसको इस तरह। ये हमारा 5.5 हो गया अरमोल। अब इसके बाद में फैब्रिक काट लेंगे। इसको चौबल कर लेंगे हम। अस्तर जो हमने काटा है वो अस्तर ही ऊपर कर देंगे इसके। इसको कटिंग कर देंगे अभी। घेरा भी कटिंग कर देंगे नीचे का। अब सेंटर के तरफ में 2 इंच कम कर देंगे हम। यहाँ से और एक कपड़ा है, लटकेगा ज़्यादा, इसके लिए 2 इंच कम कर देंगे इस तरह। यहाँ तक का शेप लेके आ जाएंगे। इसको कटिंग कर लेंगे अभी। अस्तर भी इसी तरह काटेंगे, यहाँ पर 1 इंच काट लेंगे। यहाँ पर 2 इंच ले लेंगे। इस तरह ऊपर के पार्ट को खाली ले लेंगे। इस तरह अब ये लटक इधर ऐसा लटक जाएगा। कपड़ा क्रॉस है हमारा इसके लिए। अभी घेरा हो गया, बॉडी काटेंगे अभी हम। बॉडी के लिए सबसे पहला बैक निकाल लेंगे। Thank you.
फोल्डिंग के लिए एक झटका लगा देंगे हम यहाँ पर चैन के लिए, इसको भी अभी फ्रंट कटिंग करेंगे। ये हुआ हमारा बैक और फ्रंट कटिंग। अब इसके बाद में आस्तीन कटिंग करेंगे हम। अभी आस्तीन काटेंगे हम, इसको चार पल्ला ले लेंगे हम, यानी कि एक दो ये तीन और नीचे वाला चार। आस्तीन की लंबाई हमारी है 8 इंच। यहाँ से हम 2.25 पे मार्किंग करेंगे, पूरी तरह कर लेंगे 2.25, राउंड बना देंगे हम। हम जो फुल घेरे का जो घेरा डालते हैं उसी तरह आस्तीन डालेंगे इस पर, इस तरह शेप ले लेंगे। अरमोल है हमारा टोटल 11 इंच। 11 इंच को हम 4 में भाग करेंगे, यानी कि हुआ हमारा 2.5 इंच। इस तरह 2.5 इंच रख लेंगे हम। ये आया हमारा 2.5 इंच। ऊपर के तरफ सिलाई के लिए ले लेंगे 1/2 इंच। आस्तीन है हमारी 8 इंच, यहाँ से ले लेंगे 8.5। सामने की तरफ में चिप मोड़ देंगे हम, बारीक से चिप मोड़ेंगे। टोटल हुआ 10.25 इंच। टोटल 10.25 पे मार्किंग करेंगे इस तरह। राउंड कर देंगे। अभी कटिंग कर देंगे। ये हमारा अरमोल का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अरमोल का है हमारा। इस तरह आ जाएगा हमारा अरमोल। ये अभी हम फरमा निकाल दिए, इसी रख के फैब्रिक काट लेंगे। इसी को हम रख लेंगे। अभी कटिंग कर लेंगे हम। आपके अब बीच के हिस्से को एक चटका लगा देंगे। आराम से करेंगे इस तरह। अब ये फरमे को हटा देंगे।
आर्मोल हमारा इस तरह आ जाएगा यहाँ पर, अस्तिन इस तरह रहेगी हमारी। अभी सिलाने के लिए चालू करेंगे हम।